सो हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मीना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले अप्रेजल के बारे में। अभी बहुत लोगों को नहीं पता रहता कि भाई अप्रेजल क्या होता है, इवन 90% लोगों को नहीं पता रहता है अप्रेजल क्या रहता है, और जिनने थोड़ा बहुत सुना होगा वो इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं जानते। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा बात करने वाले। देखो अप्रेजल से क्या होता है भाई, आपका सैलरी बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है आपका, मतलब सैलरी बढ़ना यानी इंक्रीमेंट होना, आपका कन्फर्मेशन जल्दी हो जाएगा और सही शब्दों में बोलूँ तो कंपनी में आप एक अच्छे टाइम तक काम कर सकते हो, अच्छा सैलरी सकते हो आपके अप्रेजल के ऊपर। तो अप्रेजल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अपडेट आपको कंटिन्यू मिलता रहे। देखो दोस्तों क्या रहता है कि आप फील्ड पे काम कर रहे हो, आप कैसा काम कर रहे हो, आपकी सेल तो एक रहता है जैसे सेल आपको कंपनी देख लेगी कि भाई इसकी सेल कैसी हो रही है। बाकी सेल बहुत तरीकों से आती है, कोई लोग एक्सपोर्ट करके सेल ले आते हैं, कोई लोग काम करके सेल लाते हैं। तो कंपनी को यह कैसे पता चले कि भाई कौन सा बंदा एक्चुअल में फील्ड में सही से काम कर रहा है, कौन सा बंदा फील्ड में काम नहीं कर रहा है बाकी एक्सपोर्ट बेस है। तो ये सारी चीजें कंपनी को पता रहती है। अभी कंपनी को कैसे पता रहती है दोस्तों, आपके साथ काम करने कौन आते हैं, एरिया मैनेजर। और ये ज्यादातर अप्रेजल कब तक रहते हैं, जब तक कि आपका कंफर्मेशन नहीं हो जाए तब तक आपके अप्रेजल जाते हैं मंथ वाइज। और जब आपका कंफर्मेशन हो जाता है उसके बाद भी बहुत सारी कंपनियां जो कि उनके फीडबैक्स वगैरह लेते रहती है। तो क्या रहता है दोस्तों, जब आपके साथ एरिया मैनेजर काम करने आते हैं ना, तो वो आपकी हर एक चीज पर नजर रखेंगे, छोटी से छोटी चीज पर नजर रखेंगे। इवन ये भी मान के चलिए दोस्तों, जो आपकी गाड़ी का मीटर रहता है ना, इस पे हम देखते हैं कितने किलोमीटर रन हुई है गाड़ी, तो इस बार आएंगे ना तो देख के जाएंगे, और अगली बार आएंगे ना तब भी वो देखेंगे कि भाई इतना रन कितना इसका बड़ा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे ही कि कोई आपको बताएगा नहीं कि इतना माइनर आपको देखते वो लोग कि किस तरीके से आप फील्ड में काम कर रहे हो, है ना। सेकंड हो जाता है भाई आप कॉल कैसे कर रहे हो, कोई डॉक्टर आपको ये बोल रहा है कि अरे आप तो बहुत दिन बाद मिल रहे हो, मतलब जितनी भी चीजें हो रही ना दोस्तों, आपका जो मैनेजर है ना वो अप्रेजल भेजेगा कंपनी को, हर मंथ के एंड में भेजा जाता है तो वो उसमें सारा मेंशन करके भेजता है। तो अगर आपका अप्रेजल अच्छा नहीं जाएगा ना तो आपका कंफर्मेशन भी रुक जाएगा। मतलब कंफर्मेशन आपको पता ही होगा, जैसे आप फ्रेशर ज्वाइन करोगे तो आप ट्रेनी बेस पे रहोगे, उसके बाद आपका प्रोविजन होगा, उसके बाद आपका कंफर्मेशन होगा। तो ट्रेनी एक कंपनी का रूल देखे तो 6 महीने में वो आपको जो ट्रेनी आपने ज्वाइन करा, मतलब आप ट्रेनिंग बेस पे हो तो ट्रेनी बेस पे आप रहते हो 6 महीने, 6 महीने में आपका परफॉर्मेंस अलग है तो आपको अगले 6 महीने फिर काम प्रोविजन पे डाल दिया जाएगा। प्रोविजन पे भी आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको कंफर्म एम्प्लॉय कर दिया जाएगा। तो आपका ट्रेनी बेस और आपका जो प्रोविजन बेस है ना, इस पे बहुत ज्यादा माइनर वो लोग आपको देखेंगे कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है, फील्ड पे एक्टिव है नहीं है, चीजों को समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा, ये सारी चीजों को देखा जाता है। अगर ये सारी चीजें आपकी अच्छी हो रही तो आपका अप्रेजल भी अच्छा रहेगा, और अप्रेजल का अच्छा जाना मतलब मैनेजर को आपके ऊपर ट्रस्ट है और मैनेजर आपके काम से खुश है, तभी वो आपका अप्रेजल अच्छा भेजेगा। अगर आप सही से काम नहीं कर रहे हो तो मैनेजर आपके काम से खुश नहीं रहेगा, वो अप्रेजल भी गलत भेजेगा, और उसके कारण दोस्तों यकीन मानिए आपके इंक्रीमेंट भी नहीं होंगे और आपका कंपनी में कंफर्मेशन भी नहीं होगा। तो भाई इस वीडियो से इतना ही समझना कि बस कुछ नहीं, हमें तो फील्ड में अच्छे से काम करना है, मैनेजर को कभी पूछना नहीं है अप्रेजल के बारे में, मैनेजर आपको कभी नहीं बताएंगे, और न कभी हमें पूछना है कि सर आपने मेरा अप्रेजल कैसे भेजा, ये कभी नहीं बताएगा, और न आपको ये बताएंगे कि मैंने अप्रेजल भेजा है, मुझे अप्रेजल भेजना है। ये बहुत अंदर की चीज़ें होती है, वैसे आपके साथ शेयर नहीं करना चाहिए था मुझे, बट इसलिए कर रहा था कि जो लोग स्टार्टिंग से मजे लेते हैं फील्ड में कि अरे कौन देख रहा है मुझे, तो ऐसा नहीं है भाई, सब देखते रहते हैं आपको कंपनी में, एक एक पॉइंट आप क्या करो, अभी क्या हो, आपको क्या गलती हुई है, सारी चीज़ें कंपनी को पता रहती है। तो ऐसा मत सोचना कि मेरे ऊपर कोई देख नहीं रहा है, नज़र नहीं है। इवन जो मैनेजर्स रहते हैं ना दोस्तों, जब क्रॉस चेक पे आ जाते हैं ना, तो आपको एक एक कॉल पे वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब उसकी क्या टिप्स और ट्रिक्स रहती है आपको क्रॉस चेक करने की, क्या फील्ड में काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं नहीं बता सकता क्योंकि एक गलत चीज़ हो जाएगी यार। तो ये चीज़ें आप बस काम करो, गलत काम मत करो, फॉल्स रिपोर्टिंग मत करो, जो मैनेजर बोल रहा है उस तरीके से काम करो, जैसा वो बोल रहा है उस तरीके से काम करो, जो कन्वर्जन पे ध्यान दो, बस आपका अप्रेजल अच्छा जाएगा, और अप्रेजल अच्छा जाएगा तो आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे, फटाफट से आपके कन्फर्मेशन होंगे और आप एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच दोस्त।